दोस्तों, ये एक्सेल सीरीज में हम देखने वाले हैं गो टू स्पेशल ऑप्शन। प्रीवियस सीरीज में जैसे हमने कवर करा था फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, यहाँ पे हम गो टू स्पेशल ऑप्शन देखने वाले हैं, जिसमें ये ऑप्शन हम फिलहाल कवर करेंगे, राइट। द नेक्स्ट सीरीज विल कवर दिस ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कॉमेंट्स में क्लिक किया और मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे एड हो कॉमेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर शीट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सेल सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब मेरा कर्सर सपोज यहाँ पे है, अगेन मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, स्पेशल में चला गया एंड देन कमेंट्स, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कमेंट्स ऐड कर सिलेक्ट करेगा पर्टिकुलर पेज। डेटा सेट यहाँ पे कम है तो यहाँ पे उतना समझ नहीं आ रहा, बट जैसे डेटा सेट ज्यादा हो और वहाँ पे कॉमेंट्स अगर कुछ एडेड हो तो हमें ऑटोमेटिकली वो कॉमेंट की डायरेक्शन पे लेके जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉमेंट्स अभी यहाँ पे एडेड है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे रिव्यू में जाओगे आप तो यहाँ से कमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, गो टू स्पेशल, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड देन ओके पे क्लिक। दोस्तों यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी फॉर्मूला एडेड हो अपार्ट फ्रॉम दैट दोज वैल्यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। मतलब जो वैल्यूज मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, डिजिट्स हो, कॉन्टेक्स्ट हो, ठीक है, कुछ टेक्स्ट मैंने ऐड कर रखा हो, बट जो वैल्यू में जो फॉर्मूलाज एडेड हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी वैल्यू सारी सिलेक्ट करेगा गो टू के अंदर, राइट। गो टू के अंदर कॉन्स्टेंट्स में एंड देन फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में अगर आपके पास कुछ नंबर वाला है डिजिट वो आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है तो वो आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करेगा। मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, गो टू स्पेशल, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपके पास लॉजिकल कुछ आपने दे रखा हो तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। ब्लैंक, दोस्तों यहाँ पे ये बड़ा ही मजेदार सा फंक्शन है। जैसे कि अभी सपोज यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर रखा है, मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, राइट। मुझे ब्लैंक सिलेक्ट करने हैं इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे गो टू स्पेशल, जो कुछ ब्लैंक वैल्यू है ऑटोमेटिकली मुझे टेबल सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली हम सिलेक्शन देख सकते हैं एंड देन यहाँ पे गो टू स्पेशल में करंट रीजन। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देखोगे, राइट, ये टेबल है मेरे पास वन या टेबल टू, यहाँ पे आप देखोगे डिजिट 13, 14, 15, 16 नहीं है यहाँ पे, राइट, क्योंकि मैंने उसको ऐसे हाइड कर रखा है, मैंने ऐसे कर रखा है, राइट। जब हम प्रिंट करेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर शीट को, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा और प्रिंटिंग रेंज हमारा बराबर नहीं आएगा। तो हमें चेक करना है अगर ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो हमने ऐड कर रखा है मैट से लेके ये पूरा कौन से टेबल में आता है, टेबल वन या टेबल टू, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए या फिर वो देखने के लिए पर्टिकुलर रीजन हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, करंट रीजन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे टेबल रेंज अगेन दोस्तों कम है डेटा सेट्स, तो यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं होगा ये, बट आपके पास अगर लार्ज डेटा सेट्स है वो टाइम पे आपको दोनों ऑप्शन का यूज होगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, करंट रीजन एंड करंट रीजन। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आपका जो आप ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करोगे दोस्तों, ठीक है, इंसर्ट में जाके मैं छोटा सा कुछ ऑब्जेक्ट्स पहले ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। अंदर मेरा कर्सर सपोज अगर यहाँ पे है, गो टू स्पेशल, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ये भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐड कर रखा था पहले, तो ये भी मुझे सिलेक्ट करेगा एंड देन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये टेबल पे ऑटोमेटिकली मुझे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। सो प्लीज सब्सक्राइब।